अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाऊंगी फालसे का मज़ेदार खट्टा मीठा शरबत जो बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं। आप मेरी इस डिफरेंट रेसिपी से फालसे का शरबत बनाएं और घर में सबको पिलाएं। ये बहुत हेल्दी ड्रिंक है, तो चलिए रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मेरे पास 1 कप फालसा है, तो हम 1 चक फालसे के शरबत का बनाएंगे। उसके लिए 1 कप फालसा काफ़ी होगा। इसी हिसाब से आधा कप चीनी काफ़ी रहेगी और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक का। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास जग है, तो हमने सबसे पहले इसमें फालसा डाल देना है, साथ ही इसमें जाएगी चीनी, नमक डाल देंगे हम और इसमें डाल देंगे पानी। तो तकरीबन आधा जग मैंने पानी का भरा है इसमें। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दूंगी और इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, बहुत अच्छे से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, तो मैं अब ढक्कन हटा दूंगी। अच्छा, अभी हम इसमें बर्फ़ नहीं डालेंगे, पहले हम इसे छान लेंगे, क्योंकि इसमें जो गुठलियाँ होती हैं वो ग्राइंड नहीं होती। तो इसके लिए हमको चाहिए होगा इस तरह का कोई भी जाली वाला स्टैंड, तो जिसके ना जो सुराख हैं बड़े हों ज़्यादा, ना छोटे हों, क्योंकि जो पल्प होता है जब आप छानते हैं पल्प भी बाहर ही रह जाता है, जिसकी वजह से मज़ा नहीं आता फालसे के शरबत का। इसलिए हम सिर्फ गुठलियाँ अलग करेंगे, तो इसकी मदद से मैं इसको छान लूंगी। तो चलते हैं, इसे छान लेते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, तो इसके ऊपर मैं ये जाली रख दूंगी। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें शरबत डालना है, तो ऐसे मैं डाल रही हूँ और मैं इसको हल्का हल्का हिलाऊंगी। ये देखें, इसके बीज आप देख सकते हैं किस तरह के हैं, तो ये हम नहीं डालेंगे, बाकी हम शरबत को छान लेंगे ताकि जो भी कोई बीज हैं वो ऊपर ही रह जाएं और शरबत नीचे चला जाए। ये तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने शरबत छान लिया और इस तरह से जो भी बीज थे वो ऊपर रह गए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। छाना हुआ शरबत हमारे पास है, अब हमने इसको दोबारा से जग में मुंतकिल कर देना है। मैंने जग में डाल दिया, अब इसमें मैं बर्फ़ डाल दूंगी। अब हम इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारा फालसे का शरबत बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, अब हम इसको सर्व करते हैं।